हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहले आपने एप्लीकेशन पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो आपने देखा था, अगर इनफाइनाइटली चार्ज अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी एल लेंथ के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर किया था। लैम्डा जो था लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, और आर थी उस लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये मान लीजिए चार्ज, आपके पास एक वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये हमने प्रीवियस टॉपिक किया हुआ था। अब इस टॉपिक पे बेस्ड आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। वन बाय वन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल जितने ज्यादा आप लोग करते हैं, उतना टॉपिक की क्लियरेंस आपको बढ़ती जाती है। आप यहाँ ध्यान से समझिए, क्या क्वेश्चन एक दिया हुआ है। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं कैरिंग चार्जेस लैम्डा वन एंड लैम्डा टू पर यूनिट लेंथ, या चार्ज डेंसिटी भी बोल सकता है। चार्ज डेंसिटीज लैम्डा वन एंड लैम्डा टू पर यूनिट लेंथ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी। उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन अनदर। तो आपको इस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है कि भाई दो आपके पास ऐसे चार्ज वायर्स हैं, ठीक है, या कंडक्टर्स जो भी दिया है इसने, लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स दी हुई है। एक ये है, दूसरी भी ये है आपकी, ठीक है। ये आपके पास दो इस तरीके से चार्ज हैं। इनके बीच का डिस्टेंस आपको बोला गया है कि बच्चों डी है। इसके पास आपका लैम्डा वन डेंसिटी है, इसके पास आपकी लैम्डा टू डेंसिटी है, ये दिया हुआ है। तो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, क्या पढ़ाया हुआ था कि जैसे आप जानते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, जैसे लॉन्ग कंडक्टर लाइन कंडक्टर था, उसके लिए आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था आपको, लैम्डा अपॉन आर था। लैम्डा उस पे सरफेस, उस पे जो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो थी, और आर उससे आर डिस्टेंस थी। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर था, इससे आर डिस्टेंस पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर ये डिस्टेंस थी, और यहाँ पे जो ये चार्ज डेंसिटी थी वो लेमडा थी। तो फॉर्मूला था मेरा, अगर इस तरीके की कंडीशन में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर था। अब यहां पे ध्यान समझिए, इस केस में क्या है, इधर वाले के लिए देख रहा हूं मैं। इसको मैंने कंडक्टर वन नेम दे दिया, इसको कंडक्टर टू नेम दे दिया। फॉर कंडक्टर वन, अगर आप कंडक्टर वन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ई जो है उसको ई वन बोल दिया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर इक्वल टू डी, इस पे देखना है ना मुझे, इफेक्ट इसका यहां देखना है, आर इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और लेमडा की जगह बच्चों लेमडा वन, इसकी जो डेंसिटी है लेमडा वन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा वन अपॉन डी। मीन्स जो इसका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर वन एट कंडक्टर टू, वन वाला किस पे लगाएगा, टू वाले पे लगाएगा, और टू वाला किस पे लगाएगा, वन वाले पे लगाएगा। दो अनजाने अजनबी मान लो घूमने जा रहे हैं, तो बिल्कुल नई नई दोस्ती हुई है, तो क्या होगा, दोनों को ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा, तो बी की वजह से किस पे फोर्स लग रहा होगा, ए जब नई नई कभी कभी दोस्ती होती है ऐसे घूमने चलती है तो ध्यान दिया होगा कभी कि ए बी पे लगा रहा होता है, बी किस पे लगा रहा होता है, ए पे। तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब ध्यान से समझिए, अब फॉर्मूला पढ़ाया था हमने बच्चों, एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब अगर मैं यहां से फॉर्मूले की बात करता हूं तो एफ इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा फॉर्मूला। मैं क्या निकाल रहा हूं, ध्यान से समझिए, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर वन, क्या होगा आपके पास, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F2 कह दिया, ठीक है।
लक किसकी वजह से रहा बच्चों, पहले वाले की वजह से रहा है, ठीक है। तो F2 हो गया आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इवन हो गया, और लक किस पर है, इसके चार्ज पे लग रहा है, तो इस पे चार्ज सपोज कितना है, Q2 है। तो लेमडा 2 क्या होता तुम्हारा, लेमडा 2 अगर मैं निकालता तो लेमडा इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एल, जैसे आपने पढ़ा था लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो लेमडा 2 हो जाता आपका क्यू टू अपॉन एल हो जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन को अगर दोबारा से पढ़ोगे, आपने जो लिखा होगा क्वेश्चन को वहां पे आप देखेंगे, तो आपने देखा उसमें बोला था यूनिट लेंथ है, तो एल इक्वल टू आपका वन हो जाएगा, तो लेमडा टू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टू के। तो जहां पे क्यू टू है वहां पे लेमडा टू लिख सकता हूँ, तो एफ टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू टू इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा टू इवन, और लेमडा टू इवन की वैल्यू है वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा वन अपॉन डी, तो ये आपका आंसर हो गया वन अपॉन टू बाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा वन लेमडा टू अपॉन डी। इतना फोर्स इनके बीच में एक्ट करेगा, अगर ये वाला इस पे लगाएगा तो इतना फोर्स लगाएगा, सिमिलरली अगर इसका फोर्स इस पे निकालेंगे वो भी इतना ही निकलेगा। सेम प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर यही फोर्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो लीनियर चार्ज जैसे लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल था, इसके लिए निकालोगे लेमडा टू इक्वल टू क्यू टू बाई एल, दोनों के लिए हमें लेंथ यूनिट लेंथ दी हुई थी क्वेश्चन में, एल की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, वन कर सकता हूँ, एल इक्वल टू वन लेगा तो लेमडा टू क्यू टू के इक्वल हो गया। क्यू टू क्या है, फोर्स क्या, इसके जो इसके चार्ज पे, इसका जो भी चार्ज होगा इसके चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और लगेगा कितना, एफ टू इज इक्वल टू क्यू टू इवन। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, इसको मैं क्वेश्चन को ज्यादा लिखूंगा नहीं, लेकिन ऐसे ही तो मैं समझा देता हूं। ये कोई चार्ज्ड वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है आपको, इस डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करना है। इससे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, और डाइपोल की जो आपस में डिस्टेंस है वो भी 2 मिलीमीटर है। इधर उसका -2 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज रखा है, इधर +2 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज, ये तो क्लियर है। अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल के पास इक्वल बट अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो अगर ये 2 × 10⁻⁸ है तो ये भी उतना ही होगा। ये फिगर में आपको शो करके दिया हुआ है किसकी वैल्यू +-2 इस तरीके से दी हुई है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, जो आपके पास ये दिया हुआ है, जो ये चार ये दिया हुआ है, इसके लिए लैम्ब्डा की वैल्यू 4 × 10⁻⁴ आपके पास कूलम पर मीटर दी हुई है। जो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो ये दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, देखो क्वेश्चन क्या लिखता हूं मैं बोल देता हूँ कि एक कंडक्टर है जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 × 10⁻⁴ है, उससे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक डायपोल रखा हुआ है, जैसा कि फिगर में शो है, शोन इन फिगर, फिगर में ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और डायपोल की जो लेंथ है वो ऑलरेडी 2 मिलीमीटर है, तो आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं कि इस पे लगने वाला जो ये इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को निकालिए। अब बच्चों रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो तुम्हें करना क्या होगा, देखो अब ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला है। तो अब मैं एफ इक्वल टू क्यू ई निकालूंगा तो मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस ही बात है, मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइन कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कितना करता है, 1/2 πε₀ λr, λr करेगा। तो ये डिस्टेंस r 2 मिलीमीटर हो गई, इससे इसकी डिस्टेंस 2 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर हो गई, मतलब ये जो है ये कंडक्टर ये वायर यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये मेरे लिए क्लियर है। तो बच्चों दोनों जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो आप थोड़ा सा सोचो खुद से, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि ये नजदीक है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और ये इससे दूर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस दोनों में सेम है, तो एक की डिस्टेंस कम है एक की डिस्टेंस ज्यादा है, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी।
अब जब हम ये समझ गए कि दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो हम कैसे समझते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। अब आप समझना, ये आपका निगेटिवली चार्ज है, फिर से वही कैप्सूल पे ध्यान दो। कैप्सूल क्या पढ़ाई गई थी, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस को रिपल करता है, ठीक है। इस एंड को मैंने वन कह दिया, तो यहां पे देखिए ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें फोर्स लगेगा इनवर्ड, इसको मैंने एफ वन कह दिया, ठीक हो गया। और यहां पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आउटवर्ड, तो ये वाला फोर्स आपका इनवर्ड लगेगा, ये वाला फोर्स आपका आउटवर्ड लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें निकालना है तो वो होगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा मैग्नीट्यूड है, बड़े मैग्नीट्यूड में से हम छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। तो यहां पे ध्यान से समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, ज्यादा तो क्वेश्चन क्या लिखना है कि ये आपका सब कुछ दिया ही हुआ है, सीधे लिख देते हैं फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल। इसमें लिखेंगे एस शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पे लगने वाला हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो बोलते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर था, ठीक है, लैम्डा अपॉन आर था बच्चों। तो हमारे पास लैम्डा अपॉन आर हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा जो है उस वायर की डेंसिटी रहती थी और आर उसकी डिस्टेंस रहती थी। 1 upon 4 by epsilon नॉट मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 होती है। लेकिन मैं करने वाला क्या हूं, यहां पे अभी मैं कोई वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसको मान लो ओ कह देता हूं, तो यहां पे ओ बोल देता हूं, तो होगा क्या, देखिए अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका, कोई अलग कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे निकाल देते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप समझने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा इसकी डेंसिटी है जो कि ये कांस्टेंट दी हुई है। अब वेरिएबल क्या है, आर है। अगर आप ए पॉइंट पे निकालोगे तो आर आपका 2 मिलीमीटर होगा, बी पॉइंट पे निकालेंगे आप 2 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मैं अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट में वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां पे मैंने क्या कर देना है, देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको OA लिख दूंगा, और जब इस एंड के लिए निकालूंगा तो यहां पे मैंने OB लिख देना है। तो मैं क्या कर देता हूं, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड A पे निकाल ले तो क्या हो जाएगा, EA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन बोलिए OA, क्या लिखना है मैंने OA। फिर ऐसे ही अगर मेरे को यहां पे निकालना है सेम इसी तरीके से, अब हमारे पास देखो E is equal to क्या होता था, F upon Q होता था, तो F equal to formula क्या हो जाएगा आपका QE। तो ठीक है, force at A अगर आपको निकालना है, force at A निकालना है, तो FA is equal to QA, और यहां पे electric field निकालना पड़ेगा A पे, तो QA EA, QA कितना है, ये चार्ज दिया होगा आपको, EA आपका ये चीज आपकी निकल गया, ये रखिए QA EA हो गया, और आपका ये जो है वो कहां लगेगा, टूवर्ड्स वायर। बस आप ये ध्यान लगा लीजिए कि जो ए पे फोर्स लगेगा वो क्यू ए होगा, लेकिन वो टूवर्ड्स वायर होगा। ऐसे ही अगर मैं निकालता हूं सिमिलरली, अब यहां ध्यान दीजिए, सिमिलरली अगर मैं करता हूं बच्चों, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अगर मैं ई बी निकालता हूं, ई बी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालने जा रहा हूं, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है वो, हाँ 2 लैम्डा, ये देखिए 2 लैम्डा अपॉन आर था। अब आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ बी, ठीक है। यहां तक आप ध्यान दीजिए, और ऐसे ही एफ बी निकालूंगा, तो वो क्या जाएगा आपका क्यू बी, और ई बी
और ये हो जाएगा अवे फ्रॉम वायर, या आउटवर्ड लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। आउटवर्ड दिख रहा है कि ये कहां को लग रहा है, बाहर की तरफ को लग रहा है। तो आपने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा / r होता है। r की जगह पे इसके लिए OA आ जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, OB आ जाएगी, एक किलो OA एक किलो OB। फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, E = F / Q / F = QE। Q जहां पे निकाल रहे हैं वहां पे का चार्ज, A पे निकाल रहे तो चार्ज QA ले लिया, EA हो गया, और यहां पे QB EB कर दिया मैंने, FB निकलना है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, आ गया फोर्स। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, तो यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहां पे मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां आप FA और FB की वैल्यू निकाल करके भी उसको कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन तो बच्चों हमारे हाथ में है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं अलग अलग निकाल के भी इसको दिखा देता हूं कि FA और FB कैसे निकलेंगे। देखिए वैसे तो उसने रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है, तो मैं रिजल्टेंट एक ही साथ निकालूं तो ज्यादा बेटर। इसमें लिखेंगे कि जो इसको FA कर देते हैं, बस इतना चेंज कर दो, इसको FA इसको FB। इसमें लिखेंगे A पॉइंट इज near to वायर, सो फोर्स एट दिस पॉइंट विल बी ग्रेटर। तो क्या करेंगे हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकालने जाएंगे तो वो हो जाएगा F = FA - FB। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये कहां हो जाएगा आपका, टुवर्ड्स वायर। बड़ा है उसकी तरफ ही तो होगा। अगर ये दो लग रहे हैं, एक इसको अंदर को खींच रहा है डाइपोल को, एक इसको बाहर को खींच रहा है, अंदर को लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्टेंट इनवर्ड लगेगा। तो FA की वैल्यू कितनी थी देखो, 1/4 πε0 QA / OA था बच्चों ये, −1/4 πε0 QB / OB था। अब देखिए यहां से आगे को हमारा काम है कैलकुलेशन को सॉल्व करना। बस हमें ऐसे सब हटा रहा हूं, ये थोड़ा सा मैंने यहां पे गलत लिख दिया, 2λ/OA था, ये 2λ/OB था, एक में 2λ था, ये था, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 1/4 πε0 कॉमन है, 2λ यहाँ पे आपके पास कॉमन है, और आप इसकी जगह पे अब मैंने थोड़ा गलती लिख दिया है, सॉरी F = QE था, तो यहाँ पे क्या था आपका, ये QA ये था EA −QB EB, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, QA और यहाँ पे आपका EA की वैल्यू 1/4 πε0 2λ/OA था −QB, और यहाँ पे 1/4 πε0 2λ/OB था। होगा क्या बच्चों, देखो यहाँ से 1/4 πε0 कॉमन है, 2λ भी कॉमन है देखो, और यहाँ से QA भी कॉमन ले लेता हूँ, QA भी कॉमन ले लिया मैंने, बच क्या जाएगा यहाँ पे 1/OA −1/OB। QA कॉमन ले लिया सिंस QA जो है वो QB के इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2×10⁻⁸ कूलम। खाली मैग्नीट्यूड देखते हैं ना, अब वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप ये प्लस माइनस तो लेते नहीं हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 2×10⁻⁸ है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो अब करना क्या है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। OA कितना है देखो आपका, OA 2 mm है, तो 2/100 मीटर कर दो इसको, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और यहाँ पे OB हो गया, OB कितना है 4 mm, तो इसको बच्चों 4/1000 मीटर, 4/1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। तो अब बस रख दीजिए यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करना है तो देखो क्या हो जाएगा, 1/4 πε0 की वैल्यू 10⁻⁹ × 10⁻⁹, 2×λ की वैल्यू कितनी है 4×10⁻⁴, QA की वैल्यू कितनी है 2×10⁻⁸, और 1/ एक की जगह पे आपने लिख देना है 2/1000 माइनस एक की जगह पे लिख देना है 4/1000, ठीक है। बस इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म।
9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, ये सब तो वैल्यू रह गई, लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 8 ये है पावर, 4 ये है, माइनस 12, 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर 9 और 10 रेज टू द पावर माइनस 12 इंटू, ये 1000 बाई 2, 1000 बाई 2 माइनस 1000 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 टू जा 18, 18 9 टू जा 18, 18 फोर जा 72, 72 इंटू 2 कितना होता है 144, तो 144 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इसमें ये ऐड हो जाएंगी पावर्स, माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका 500 माइनस 250, कितना आ गया 250, तो 144 इंटू 250 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ले लो, इसे मल्टीप्लाई 25 फोर जा 100, जीरो रह गया, 10 आ गया, 25 फोर जा 100, फिर 100 में 10 ऐड कर दोगे तो 110, जीरो 11 रह गया, 25 फोर जा 25 और 1, 25 फोर जा 25 और 11 कितना हो जाएगा आपका 36 हो गया, तो 36 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हो गया आपका, 36 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, माइनस 3 पावर को क्या लिखते हैं बेटा, 3600 इंटू 1 अपॉन 1000 हो गया, तो ये 000 कैंसिल हो गया, तो 36 इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36 न्यूटन, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा और यहाँ पे था क्यू ए, 1 अपॉन ओ ए माइनस 1 अपॉन ओ बी था, फिर उसके बाद हमने ओ ए ओ बी की वैल्यू लिखी, ये था 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, यहाँ पे 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 था, और क्यू ए 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, ये रह गया 9242 लिखा हमने, 9242, ठीक है। और यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर आपका ये आ गया, ये 1000 बाई 2 और 1000 बाई 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 500 माइनस 250, तो 250 हो गया, और आपका हो गया 36 न्यूटन। अगर कुछ कैलकुलेशन में प्लस माइनस कहीं पे कुछ हो गया होगा तो थोड़ा सा देख लेना, मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इसका आंसर की वैल्यू जो आंसर रहता है 0.7 न्यूटन के आसपास रहता है इसका, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आप कोई बात नहीं इसको कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं ठीक है, ठीक है आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है, हाँ मैं थोड़ा सा ये वैल्यूज, ठीक है आंसर बिल्कुल सही है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, अब अगर कुछ क्वेश्चन चेंज कर देता है उसमें वैल्यू कुछ और दे देगा तो फिर आंसर कुछ और हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिलहाल ये बिल्कुल सही है, ये 2 मिलीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया 2 सेंटीमीटर से सॉल्व करवा दिया, तो जिससे सॉल्व करा रखा उसी से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन आप और खुद से कर लीजिए, वहां पे मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।